जिंदगी और कुछ भी नहीं। इस वीडियो ने महिला को बना दिया सुपरस्टार। जी हाँ, ये महिला लता मंगेशकर की तरह गाती थी। इसी को देखते हुए सोशल मीडिया पर उनका वीडियो इस तरीके से वायरल हुआ कि वो फिलहाल सुपरस्टार बन गई हैं। जी हाँ, हाल ही में हिमेश रेशमिया ने अपनी अपकमिंग फिल्म में उन्हें गाना गाने का मौका दिया है। गाने का टाइटल है तेरी मेरी कहानी, जिसका छोटा सा पार्ट सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और अभी तक खबरों की माने तो बताया जा रहा है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान की कहने पर ही हिमेश रेशमिया ने अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका दिया। सलमान खान के पिता सलीम खान के बारे में भी हिमेश रेशमिया ने कहा कि मैं सलीम खान की बात मानता हूं। सलीम खान जी ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें कोई टैलेंट दिखे तो उसे वेस्ट मत जाने दो। इस कारण मैंने रानू मंडल की मदद की और आज रानू मंडल एक बड़ी सुपरस्टार बन चुकी हैं। खबरों की माने तो बताया जा रहा है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव ने भी जब रानू मंडल का गाना सुना तो काफी खुश नजर आए। और खेसारी लाल यादव ने भी कहा कि हो सकता है आने वाले समय में रानू मंडल के साथ मैं गाना रिकॉर्ड करूं। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, रानू मंडल फिलहाल एक स्टार बन चुकी हैं जिनके साथ हर कोई काम करने में इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। और फिलहाल खबरों की माने तो बताया जा रहा है सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी जल्द रानू मंडल के साथ कोई सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि इस बात की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन खबरों में इस बात की चर्चा है। तो आप भी देखना चाहते हो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को रानू मंडल के साथ गाने में, तो कमेंट कर अपना सुझाव हमें जरूर दीजिए। पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु, सखा तुम्ही हो।